खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की एडिटर्स गिल्ड ने कड़ी निंदा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने किसानों की गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड तथा उस दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने पर वरिष्ठ संपादकों एवं पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के कदम की शुक्रवार को कड़ी निंदा की और इसे मीडिया को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने तथा दबाने का प्रयास बताया। एडिटर्स गिल्ड ने वक्तव्य जारी कर मांग की कि ऐसी प्राथमिकी तुरंत वापस ली जाए तथा मीडिया को बिना किसी डर की आजादी के साथ रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी जाए। वक्तव्य में कहा गया कि एक प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ी घटना की रिपोर्टिंग करने, घटनाक्रम की जानकारी अपने निजी सोशल मीडिया हैंडल पर तथा अपने प्रदर्शनों पर देने पर पत्रकारों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। गिल ने कहा, यह ध्यान रहे कि प्रदर्शन एवं कार्यवाही वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद प्रत्येक दर्शियों तथा पुलिस की ओर से अनेक सूचनाएं मिली। अंत पत्रकारों के लिए यह स्वाभाविक बात थी कि वह इन जानकारियों की रिपोर्ट करें। यह पत्रकारिता के स्थापित नियमों के अनुरूप ही था। उसने कहा कि वह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश पुलिस के डराने धमकाने के तरीके की कड़ी निंदा करता है, जिन्होंने किसानों के प्रदर्शन, रैलियों और हिंसा की रिपोर्टिंग करने पर वरिष्ठ संपादकों एवं पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इन वरिष्ठ संपादकों एवं पत्रकारों में गिल्ड के पूर्व एवं मौजूदा पदाधिकारी शामिल हैं। गिल्ड ने रेखांकित किया कि इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया कि ट्वीट दानिस्ता तौर पर दुर्भावपूर्ण थे और लाल किले पर उर्व दर्व का कारण बने। उसने कहा कि इससे ज्यादा कुछ भी सच्चाई से परे नहीं हो सकता। उसने कहा, उसी दिन ढेर सारी सूचनाएं मिल रही थी। ईजीआई ने पाया कि विभिन्न राज्यों में दर्ज ये प्राथमिकियां मीडिया को चुप कराने, डराने, धमकाने तथा प्रताड़ित करने के लिए थी। उसने कहा कि यह प्राथमिकियां 10 विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई, जिनमें राजद्रोह के कानून, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करना आदि शामिल है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि किसानों की ट्रैक्टर परेड और उस दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और 6 पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य आरोपों का मामला दर्ज किया है। जिन पत्रकारों के नाम प्राथमिकी में है उनमें मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोश, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ शामिल है। एक अनाम व्यक्ति के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के नतीजे देखने के लिए देखते रहिए द नेटिजन न्यूज चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।